ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की साइंस के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंसेस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो हमें किसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दो रेजिस्टेंसेस का निकालना है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें दो रेजिस्टेंस होंगे जो कि सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कौन सा है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, इसका नाम मैं रखती हूँ R1, ठीक है। ठीक है, फिर इसके जो एंड है, इस रेजिस्टेंस का जो एंड है उससे हम दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा R2, ठीक है, ये R1 है, ये R2, आप देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 जो कि सीरीज में आप देख सकते हैं एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन इसके जो दोनों रेजिस्टेंस का जो एंड है, ये एंड है और इसका एंड ये है, यहां से हम एक सप्लाई देंगे, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। यहां पर हम एक सप्लाई देंगे, प्लस माइनस DC है ये, ठीक है। तो इस टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है, V है, ठीक है। तो हम जब ये R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है और हम जैसे ही यहाँ पर टोटल सप्लाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी I, ठीक है, करंट I यहाँ पर फ्लो होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट में आप देख सकते हैं कि जो करंट है ना, इस सीरीज सर्किट में सेम रहेगी, मतलब कि R1 में भी इतनी ही करंट फ्लो होगी और R2 में भी I करंट फ्लो होगी, तो इस पूरे सर्किट में करंट I जो है सेम रहेगा, इसलिए क्योंकि करंट I जो है उसको केवल एक ही पाथ मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहां से शुरू हुआ, यही एक सेम पाथ मिल रहा है और यहां पाकर खत्म हो गया, तो सेम पाथ मिल रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दो पाथ मिल रहा है, इसलिए ये सेम पाथ मिलने की वजह से करंट जो है R1 R2 में सेम फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम टोटल सप्लाई वोल्टेज भी देंगे तो यहाँ पर क्या होगी, करंट R1 के अक्रॉस R1 जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो होगा I, ठीक है, इसमें भी करंट I फ्लो होगी और इसमें भी करंट I फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 के अक्रॉस हम ये सपोज करते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो है V1, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है V1, और R2 के अक्रॉस कितना डेवलप हो रहा है V2, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ये R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो रहा है V1, और R2 के अक्रॉस V2 डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज सर्किट में करंट सेम है और यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज भी दी गई हुई है, वी दिया हुआ है जो, तो यहाँ पर देखिए R1 के अक्रॉस V1 डेवलप हो रहा है और R2 के अक्रॉस V2 डेवलप हो रहा है, यानी कि अगर हम ये समझे कि टोटल सप्लाई वोल्टेज V है तो वो क्या होगा, इन दोनों वोल्टेज के सम के बराबर ही होगा, इसी टोटल सप्लाई वोल्टेज का बी का कुछ पार्ट यहाँ पर डेवलप हो रहा है और बाकी जो बचा यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यानी कि V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर होगा, यही होगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा V=V1+V2, तो ये आपको समझ में आएगा, बस यहीं पर आपको वैल्यूज रखनी है। तो ये टोटल सप्लाई वोल्टेज V है, अच्छा टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है सर्किट में I, तो टोटल करंट कितना है हमारा, टोटल करंट हमारा क्या है, आई है, ठीक है, टोटल सप्लाई वोल्टेज वी है। हमको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम यहां पर सपोज मान लेते हैं, सपोज टोटल रेजिस्टेंस, हम यहां पर टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, BR, ठीक है, क्या मान लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, यही हमें निकालना है R, तो हमने मान लिया R, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज वी है, टोटल करंट आई है और टोटल रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला वी क्या होगा, आई आर होगा, यानी कि टोटल सप्लाई वोल्टेज जो वी है वो किसके बराबर होगा, आई और इंटू आर के बराबर होगा, यही होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये हमने टोटल सप्लाई वोल्टेज निकाला, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या हुआ, IR हुआ। उसी तरह से हम ओम्स ला इसमें भी अप्लाई करेंगे, R1 में भी अप्लाई करेंगे और R2 में अप्लाई करेंगे। तो अब R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, V1, ठीक है। और करंट क्या है, मैंने बता दिया कि करंट दोनों में सेम रहेगी, करंट I इसमें भी फ्लो होगा और I इसमें भी फ्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला जो V1 होगा इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स ला क्या होगा, I, और रेजिस्टेंस क्या है, R1, यही होगा ना। ये V1 जो निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं हम, इसके अक्रॉस, ये जो R1 है ना रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VI है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VI क्या होगा, करंट I इंटू R1, यही होगा,
आई इंटू आर वन, ये बी वन के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये निकल गया इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब उसी तरह से हम आर टू का भी निकाल लेते हैं, तो आर टू में भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वी टू, वी टू है ना, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी टू क्या होगा, आई करंट आई और वी टू किसके अक्रॉस, आर टू के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आर टू। तो यहाँ पे देखिए इंटू है, इंटू नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो वी टू हो गया आई आर टू, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये आगे हमारे पास, अब देखिए वी किसके बराबर है आई आर, वी वन किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आर वन, तो वी वन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा आई आर वन हो जाएगा। यहाँ पर आई क्यों हमने सेम लिया, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट आई ही फ्लो होगी, ठीक है। तो वी टू कितना हो जाएगा आई आर टू, वी वन आई आर वन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मेन जो है ना, ये जो V हमारा जो यहाँ पर टोटल सप्लाई वोल्टेज जो कि V1 प्लस V2 के बराबर है, तो इसी में अब ये देखिए V की वैल्यू ये आ गई, V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, तो ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ V, V1 एंड V2, इसको मैं इक्वेशन A मान लेती हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन V, V1, V2 इन इक्वेशन A, ठीक है। इक्वेशन A हमारी क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही है। तो V कितना है हमारा आई आर है, तो यहाँ पे मैं आई आर लिख देती हूँ इसकल टू V1, V1 कितना है आप देख सकते हैं आई आर वन, आई आर वन प्लस V2 कितना है आई आर टू, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आई आर टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है आई आर, इनके बीच में इन टू का साइन है, ठीक है। इसकल टू इसमें, इन दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो हम आई जो है कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आर वन, ये आर वन प्लस और ये आर टू बचेगा, हमने आई बाहर निकाल दिया कॉमन, ठीक है। यहाँ इनटू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकल टू के दोनों साइड आई और आई कैंसिल हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में भी है, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला आर इसकल टू आर वन प्लस आर टू, हमें यहाँ पर ये मिला। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, आर वन प्लस आर टू के बराबर है, और इस टोटल रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आ गया है, जो कि बता रहा है ये टोटल रेजिस्टेंस है, कब, जब दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए पांच रेजिस्टेंस का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर देखिए आप पांच का निकालिए, चाहे छह का निकालिए, चाहे दस का निकालिए, ठीक है, चाहे चार का निकालिए, तो हर हर चीज में, हर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आर वन है, मान लीजिए कि ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है और ये आर फाइव है, ठीक है। ये हमारा क्या है पांच रेजिस्टेंस आप देख सकते सीरीज में, और यहाँ पे आप सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। सप्लाई आपने क्या दिया, वी दिया, तो करंट इसमें फ्लो होगी आई, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, मैंने आपको बता दिया करंट सब में सेम रहेगी, आई इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, पांचों रेजिस्टेंस में करंट आई सेम रहेगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज भी है, ठीक है। तो टोटल सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर वी दिया, करंट जब इसमें फ्लो होगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आर वन के अक्रॉस, इसको वी वन मान लेते हैं, यहाँ पर जो डेवलप होगा वो वी टू होगा, यहाँ पर जो डेवलप होगा वो वी थ्री होगा, और यहाँ पर जो डेवलप होगा वो वी फोर होगा, और यहाँ पर जो डेवलप होगा वो V5 होगा। तो V1 इसके अक्रॉस डेवलप है, V2 इसके अक्रॉस डेवलप हुआ है, V3 R3 के अक्रॉस, V4 R4 के अक्रॉस और V5 R5 के अक्रॉस। तो इसको जब अगर कैलकुलेट करना होगा, क्वेश्चन दे देता है ये, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो सप्लाई वोल्टेज V है, ये देखिए ये सब में डिवाइड हो गया है पांचों रेजिस्टेंस में, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन इक्वेशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेन इक्वेशन हमारी क्या थी, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये मेन हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे मैंने यहाँ पे V की वैल्यू निकाल दिया, तो V की वैल्यू यहाँ पर आई आर हो जाएगी। V1 कैसे निकालेंगे, तो V1 यहाँ से क्या होगा निकलेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इसमें आई फ्लो होगी, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा आई आर वन। उसी तरह से V2 निकाल लीजिए, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, वो आपका क्या आएगा सीरीज में, सीरीज में सब ऐड हो जाएगा, यही निकलेगा आपका, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये हमारा यहाँ पर आएगा सीरीज में, सीरीज का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।